जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में आगरा के लाल कैप्टन शुभम गुप्ता शहीद हो गए। उनकी शहादत की सूचना मिलते ही घर पर कोहराम मच गया। पिता बसंत गुप्ता के पास फोन आया। फोन पर खबर सुनते ही उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मोबाइल हाथ से छूट गया, बेसुध होकर बैठ गए। थोड़ी देर में पूरे शहर में शहादत की खबर फैल गई। अधिकारी, जनप्रतिनिधि परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच गए। हर किसी की आंखों में आंसू थे। बताया गया है कि आज शाम तक पार्थिव शरीर आगरा आ सकता है। आगरा के जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत कुमार के बेटे कैप्टन शुभम गुप्ता बुधवार को राजौरी में शहीद हो गए। बेटे के गम में माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो बस एक ही बात कह रही थी कि बेटे ने दीपावली पर वादा किया था कि जल्दी छुट्टी मिलते ही घर आऊंगा। इस बार वो अक्टूबर में अपने जन्मदिन पर भी नहीं आ पाया था। बेटे को याद करते हुए माँ कई बार बेहोश हो गई। पिता भी बेटे को याद करते हुए बार बार बेसुध हो रहे थे। शुभम ने सेंट जॉर्जेस इंटर कॉलेज से 12वीं तक की पढ़ाई की थी। इसके बाद 2015 में नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश लिया। 2018 में उन्हें सेना में कमीशन मिला। शुभम बेहद जाबाज थे। उन्होंने स्पेशल फोर्स की कठिन ट्रेनिंग ली थी। सेना के कई ऑपरेशन को अंजाम दिया। उनकी पहली पोस्टिंग उधमपुर में थी। शुभम के पिता ने बताया कि शुभम बचपन से जाबाज था। उसका चयन सिग्नल कोर में हुआ था, मगर उन्होंने परिवार को बिना बताए अपना कोर बदल लिया। जब उन्होंने पैरा की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, इसके बाद भी नहीं बताया था। उनके एक दोस्त ने बाद में उन्हें बताया कि शुभम अब कमांडो फोर्स का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बेटे ने सर्वोच्च बलिदान दिया, बेटी की शहादत पर नाज है। उसके दोस्तों ने वादा किया है कि आतंकवादियों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसका टारगेट था कि मुझे बड़ा काम करना है, हटके करना है, जहां भी रहना है टॉप पे रहना है। आर्मी में जब गया था तब भी उसका यही था कि मैं देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। हम अभी पिछले साल से उससे कह रहे थे, बेटा शादी कर लो, प्लान कर लो, शादी वादी बाद में, पहले मुझे बहुत काम करना है। वही अभी 15 दिन से मैं उससे लगा था, बेटा छुट्टी आ जाओ, कुछ दिन के लिए आ जाओ, मेरा एक काम पेंडिंग है वो करके आता हूँ। बस वो जैसे ही होता है तुरंत आता हूँ। 2 दिन पहले बात हुई थी तब भी ये कह रहा था कि बस मेरा काम होने वाला है, 1-2 दिन में मैं आता हूँ। देखिए, शुभम गुप्ता की शहादत पर अश्रुपूरित गर्व कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हृदय बहुत दुखी है। जहाँ हिंदुस्तान के नौजवान उस पर गर्व कर सकते हैं उसकी बहादुरी पर, वहीं हम लोग उसके शहादत पर दुखी हैं। और हम उसको बचपन से जानते थे क्योंकि बसंत जी हमारे साथी रहे, उनका बेटा था, उसने सेना में भी भर्ती हुआ, वो भी अपने उसका अपना निर्णय था, और सेना में भी वो कोर लिए, उसने वो आयाम हासिल किए। हमारे ऐसे वीर सपूतों को हर कोई नमन करता है, और हमारे कैप्टन शुभम गुप्ता की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा।